नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो में हमारा जो 22 नंबर का पद है, जिसका नाम है असुर, उसके बारे में जानेंगे। अगर ये पद में द्वार है या कोई भी दोष है, तो यहाँ पे रहने वाले जो भी जातक है, जो भी इंसान है, उनको क्या फल मिलेगा, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शास्त्र में ये जो 22 नंबर का पद है असुर, उसके बारे में क्या लिखा है, क्या उसका अर्थ है। तो ये जो असुर है, उसका जो अर्थ शास्त्र में लिखा है वो है राहु। यानी ये जो 22 नंबर का पद है, उसका जो अर्थ है वो राहु है। हम सब जानते हैं कि राहु जो है वो एक मैलिफिक प्लैनेट है, राहु एक नकारात्मक ग्रह है, और जीवन में जो भी हम परेशानियां लेते हैं, जीवन में जो भी कंफ्यूजन है, वो सब राहु की वजह से है। साथ में ही राहु जो है वो महत्वाकांक्षा भी देता है। तो हम यहाँ पे देखें, अगर ये पद 22 नंबर में अगर द्वार है, तो उसका जो द्वारफल है वो क्या मिलेगा। तो शास्त्र में जो लिखा गया है वो द्वारफल में कहा गया है राजभय, यानी कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, उसके ओर से आपको प्रॉब्लम या दिक्कतें आ सकती है। यहाँ पे अगर द्वार होगा तो ये जो मकान मालिक होगा, उसकी जो मनोवृत्ति होगी, उसका जो थिंकिंग होगा, वो गैर कानूनी जो काम होंगे वो करने की उनकी मानसिकता होगी। यानी कि यहाँ पे रहने वाले इंसान जो है वो इलीगल कार्य, यानी गैर कानूनी जो कार्य है वो करेंगे, या उनमें उनका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा रहेगा। उसके पीछे का जो एक कारण है वो है जल्दी से पैसे कमाना, समृद्ध बनना, ये उसके पीछे एक रीजन रहेगा। ये लोग जो है यहाँ पे रहने वाले, वो कायदा से, यानी हमारा जो कानून है उससे विरुद्ध में जाके अपना कार्य करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे। जैसे कि हम देखें भाई, ऑक्ट्रॉय चोरी है, वेट चोरी है, इनकम टैक्स में घपला है, एक्साइज की चोरी है, यानी जो टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो जो टैक्स है ये लोग गवर्नमेंट को नहीं देंगे, उसकी चोरी करेंगे। और साथ में ही मैंने बताया कि इसका जो अर्थ है वो है राहु, और ये पद है असुर। तो यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो ऐसा सोचते हैं, अभी तो हम जितना हो सके उतनी चोरी कर ले, अगर जब भी गवर्नमेंट की ओर से प्रॉब्लम आएगा तब देखा जाएगा, तब जो भी होगा वो हम संभाल लेंगे। यानी ऐसी मनोवृत्ति, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा अहम जो है यहाँ पे रहने वाले लोग में अक्सर पाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो हमेशा गवर्नमेंट से डरते रहते हैं। यानी अगर ये 22 नंबर का जो पद है असुर, यहाँ पे द्वार हुआ, तो ये मकान में या ऑफिस में काम करने वाले लोग, मकान में रहने वाले लोग जो है वो गवर्नमेंट से बहुत ही डर के जिएंगे। उसका जो कारण है वो है उनकी महत्वाकांक्षा और टैक्स की चोरी। और भी कई जो बदिया है यहाँ पे आ सकती है, गैर कानूनी काम, यानी गवर्नमेंट से इलीगल जो वर्क है उसमें वो ज़्यादा अपना जो अप्रोच है वो बताएंगे, उसमें उनका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। जल्द से जल्द कैसे पैसे वाले बने, वो उनकी एक मानसिकता होगी। यानी यहाँ पे ये जो द्वार होगा 22 नंबर का, वो नकारात्मक फल देता है, ये ध्यान रखना होगा। अब हम देखें, अगर यहाँ पे द्वार है ये पद में, तो उसका क्या है, रेमेडीज क्या होगी, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए, शास्त्र में कहा गया है कि असुर जो है उसका जो नैवेद्य जो है वो है दारू, यानी कि लिकर, यानी लिकर जो है वो यहाँ पे आपको रखना है। जो लोग यहाँ पे लिकर नहीं रख सकते, वो जो है वो शहद, यानी कि हनी है, उसके बदले हनी भी रख सकते हैं। यानी कि ये असुर के पद में, जहाँ पे आपका द्वार है उसके आजू बाजू, कोई भी एक लोटी में या तांबे के कोई छोटी सी जो बर्तन होगा उसमें आपको शहद या दारू, जो भी आपको सही लगे, वो आपको रखना है। कब रखना है, तो ये आप रखेंगे शनिवार सुबह,
शनिवार सुबह कोई एक पात्र में आपको शहद या दारू रखना है और शाम को इसे सूर्यास्त के बाद जल प्रवाह कर देना है। अगर शहद है तो आप उसको कोई पवित्र जगह पर रख सकते हैं या कोई पेड़ के आजू बाजू डाल सकते हैं ताकि चींटियां उसको खा सके। लेकिन अगर दारू है तो उसको आप जल प्रवाह ही करें, उसको कोई और जगह पे, पवित्र जगह पे न रखें। तो देखिए यहाँ पे जो है असुर, उसका जो नैवेद्य है वो है दारू, या फिर ऑप्शन में है मधु, मधु यानी शहद या फिर हनी, वो आप यहाँ पे रखें। इसकी वजह से क्या होगा कि असुर जो है यहाँ पे वो है, वो शांत रहेगा, उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आप पे कम करेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर से कहता हूँ, यहाँ पे मैं जो भी रेमेडीज दे रहा हूँ, जो भी उपाय दे रहा हूँ, वो आपकी दिक्कतें है वो कम करेगा, न कि आपकी दिक्कतें जो है वो फिनिश करेगा। यानी नकारात्मक प्रभाव कम होगा, ना कि नकारात्मक प्रभाव नलिफाइड होगा। तो ये जगह पे अगर द्वार है तो आपको ध्यान रखना होगा, ये मैंने जो बताई वो बातों का, गवर्नमेंट से विरुद्ध कोई भी काम ना करे, लीगल काम करे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो ये जो असुर है आपको परेशान कम करेगा। साथ में ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई दोष है तो भी आप ये उपाय कर सकते हो। अगर आप ये उपाय करते हो, ये रेमेडी करते हो, तो उससे आपको थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नेगेटिविटी जो है वो कम होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम जो है 23 नंबर का पद हमारा, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे रजा दीजिए, धन्यवाद।